यूज्ड चाय पत्ती से ये बना फर्टिलाइज़र पौधों को अगर देते हैं तो उनकी मिट्टी में जो कीड़े हो जाते हैं वो भी मरेंगे और साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ में भी वृद्धि होगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो फिर ये कैसे हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मिहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले ये मेरे फ्लावर देखिए, कितनी गर्मी पड़ रही है लेकिन मेरे ये फ्लावर देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। ये ऐसे फ्लावर इधर कैसे मिल पा रहे हैं मुझे, तो इसका कारण यही है कि मैं जो नई फर्टिलाइज़र आपको बताती रहती हूँ तो मैं भी अपने पौधों पर अप्लाई करती हूँ, इसी का परिणाम आप मेरे फ्लावर प्लांट पर देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी श्रृंखला में आगे एक और फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, तो वो है ये देखिए, ये इससे बना हुआ फर्टिलाइज़र, ये देखिए ये यूज्ड चाय पत्ती है जो, और मैंने अच्छे से उसको धुल के अच्छे से सुखा लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी चाय में चीनी पड़ी है तो उसको खूब अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और धूप में खूब अच्छे से सुखा लीजिएगा, जिससे कि अगर आप उसको अप्लाई करते हैं पौधों में तो फंगस ना लगे। ये मेरी अच्छे से सूखी हुई चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती में आप वैसे तो जानते ही होंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये इसमें ये कंप्लीट NPK है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फिर इसमें अगर हम आलू के छिकले अगर मिला दें तो फिर कहने ही क्या है। आलू के छिकले में बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है और पोटेशियम पौधों की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसको भी मैंने सुखा लिया है अच्छे से, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इन्फेक्टेड आलू नहीं होने चाहिए, मतलब ख़राब नहीं आलू होने चाहिए, अच्छे आलू होने चाहिए, उसका ये छिकला होना चाहिए। ये लिया है। अब देखिए मैं तीसरी चीज़ क्या लेती हूँ जिससे कि पौधों में जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं वो दूर होंगे, ये है नीम की खली। नीम की खली बस हम एक चम्मच ही लेंगे। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि जैसे मिट्टी में चींटियाँ लग जाती, गर्मी बहुत पड़ रही है जिसके कारण मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं तो इससे नहीं आएंगी। फिर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम दो तरह से इसका प्रयोग बताएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम दो भागों में बांट लेंगे और दो अलग अलग तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले कैसे इसका प्रयोग करती हूँ, आधा मैंने इसका निकाल लिया है और कैसे देखिए मैं इसका यूज़ करूँगी, वैसे ही आप भी करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको भी अच्छा मिलेगा। देखिए ये मेरा गुड़हल का पौधा है और सब शाम का टाइम हो गया है तो कुछ बंद होने पर आए हैं। तो इस वाले पौधे में मैंने अभी एक और फर्टिलाइज़र बताया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ आई हैं, वो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा बहुत ही ज़्यादा, उससे नॉलेज आपको मिलेगी। फिर इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो हम सबसे पहले इसकी मिट्टी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे इसका। ये है कि फ्लावरिंग हो रही है लेकिन फ्लावर उतने अच्छे खिल नहीं रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से खिल रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। सुबह अच्छा खिलता है, फिर ये 4 बजे के लगभग बंद होने लगते हैं। फिर ये देखिए ये मैंने कुड़ाई की है और मिट्टी में मैं इसको नीचे ऐसे दबा दूँगी और फिर ऐसे, और फिर हम पानी इसमें दे देंगे अच्छे से इसमें, हम वाटरिंग कर देंगे ऐसे। और फिर देखिए दूसरी तरह से कैसे देते हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये पानी रखा है, ये लगभग 2 गिलास पानी होगा, 2-2.5 गिलास होगा, मैंने नापा नहीं है, ये लगभग 2.5 गिलास पानी होगा। फिर जो बचा था वो इसमें हम डाल देंगे।
ऐसे। और अच्छे से इसको चला के रात भर के लिए रख देंगे। रात भर के लिए इसको, यूज्ड चाय पत्ती है तो मैं रात भर के लिए रख रही हूँ, अगर फ्रेश ले रहे हैं तो आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं आधा घंटा बाद। तो मैं रात भर के लिए रखती हूँ इसको ढक के, और शेड में रखिएगा, धूप में मत रखिएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, वो इसको उबाल देगा, इसलिए धूप में मत रखिएगा। तो फिर मिलते हैं सुबह। ये देखिए, ये मैंने रात भर के लिए रखा, और इसका देखिए कलर ये ऐसा हो गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब देखिए ये हम कैसे देते हैं प्लांट में, ये इसका देखिए। तो अच्छे से हम नीचे से पहले से इसको चला लेंगे, और फिर कैसे देंगे, तो एक ग्लास में मैंने इसको लिया है ये, और देखिए ये मेरा प्लांट बड़ा है, तो ये मेरा हार सिंगार का है, काफ़ी बड़ा पौधा था, मैंने इसको कट करके इसकी रूट प्रूनिंग करी थी, इसी में हम डालेंगे अच्छे से गुड़ाई करके, जिससे नीचे तक चला जाए वाटर, इसमें हम डाल देंगे ऐसे। और ये मत सोचिएगा कि इसमें फंगस लग जाएगी, फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि जो चाय पत्ती है एकदम सूखी हुई है, तो फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है ये। इसमें भी ऐसे ही हम करके इसमें डालेंगे। ये मेरा टिकोमा है, ये भी फ्लावरिंग ठीक ठाक कर रहा है, इसमें भी ऐसे ही गुड़ाई करके ऐसे हम डालेंगे। और सब हम ऐसे ही प्लांट में डालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो, तो लाइक कर लीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक मैं ये सब फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे रही हूँ। ये देखिए मेरा गंधराज का पौधा, इसमें भी कलियाँ आ गई हैं, अभी ही ये पौधा मैंने बाय किया था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक की गुड बाय।